फिल्म की शुरुआत में हमें भविष्य का समय दिखाया जाता है, यानी कि ये साल 2194 है, जिस वक्त तक रोबोट्स और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए एक आम चीज हो जाएंगे। अब पहले सीन में हमें जोंगियो को दिखाया जाता है, जो एक बहुत ही बेहतरीन सिपाही है और वो अपने एक मिशन के दौरान कुछ रोबोट से लड़ रही होती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो बहुत ही बहादुरी के साथ सभी रोबोट को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन फिर तभी वहाँ एक बड़ा रोबोट आ जाता है जो बाकी रोबोट से कहीं ज्यादा एडवांस और हथियारों से लैस होता है। हालांकि जोंगियो उसको जलाकर नष्ट करने की कोशिश करती है, पर उस रोबोट का बाल भी बाका नहीं होता और वो फिर से जोंगियो को ढूंढकर उस पर गोलियां बरसाने लगता है। लेकिन फिर इसी बीच जोंगियो उसको मलबे में दबाकर उसका ध्यान भटका देती है, ताकि वो उसे उसकी बैटरी में गोली मारकर उसे नष्ट कर सके। पर उसी वक्त उसका ध्यान एक छोटी सी गुड़िया पर चला जाता है, जिस वजह से आखिर में वो रोबोट जोंगियो के हाथ पर शूट कर देता है। और जब उसका ध्यान अपने हाथ पर जाता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि असल में वो भी एक रोबोट है, इसलिए वो वहीं जम जाती है। जिसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ये सब जो हो रहा था वो असली नहीं था, बल्कि एक सिमुलेशन है। दरअसल ये सब क्रोनॉइड नाम की कंपनी के लैब में हो रहा था, जिसमें ये लोग जोंगियो को एक एआई के रूप में तैयार करने के लिए ऐसा कर रहे थे, जिसके बारे में हमें कुछ देर में और अच्छे से जानने को मिलेगा। जिन सबका साफ मतलब है कि जोंगियो एक रोबोट है, जिसके दिमाग के डेटा को सुरक्षित रखकर फिर उसके रोबोटिक शरीर को पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। यहाँ अब हम इस प्रोजेक्ट की टीम लीडर सियोन को भी देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ एक मीटिंग के लिए जाती है, जहाँ एक प्रेजेंटेशन के मदद से कुछ आर्मी ऑफिसर्स को दिखाया जाता है कि साल 2135 में जब मौसम में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंसानों का पृथ्वी पर रहना नामुमकिन हो गया, तो उसने स्पेस में करीब 80 शेल्टर्स बनाकर उनमें रहना शुरू कर दिया, जिनमें से फिर शेल्टर 8, 12 और 13 ने एक होकर खुद को एडियन रिपब्लिक नाम दिया। और फिर वो अपने रोबोटिक आर्मी की मदद से पृथ्वी और बाकी शेल्टर्स पर हमला करने लगे, जिस वजह से एक युद्ध की शुरुआत हुई जो इतने सालों बाद भी आज तक चालू है। लेकिन फिर पृथ्वी से जोंगियो नाम के एक सिपाही ने एडियन के खिलाफ कई सारे मिशन कामयाबी से पूरी करके उनकी नाक में दम कर दिया, पर जब वो अपने आखिरी मिशन पर गई तो वहाँ गोली लगने की वजह से वो कोमा में चली गई। हालांकि ये मिशन अगर कामयाब होता तो ये युद्ध कब का खत्म हो चुका होता। अब क्योंकि जोंगियो इतनी काबिल सिपाही थी, इसलिए क्रोनॉइड कंपनी ने उनकी मौत के बाद उनके परिवार से इजाजत लेकर उनके दिमाग के डेटा को एक सिस्टम में डालकर सुरक्षित रख दिया, जिसकी मदद से अब इस डेटा को अलग अलग रोबोट में डालकर टेस्ट किया जा रहा है, जिसके लिए ही वो जोंगियो से बार बार वही आखिरी मिशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो ऐसा करने में नाकामयाब रहती है। पर जल्दी वो इस टेस्ट को पास कर लेगी, जिसके बाद वो एक ऐसा एआई बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो एक बेहतर सिपाही होने के साथ साथ काफी ज्यादा ताकतवर भी होगी, और उसकी मदद से वो इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। इसलिए इस प्रोजेक्ट को जोंगियो की बेटी सियोनियो ही अंजाम दे रही है, जिसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम जोंगई रखा गया है। इसके बाद अब सियोन जोंगियो के दिमाग को एक दूसरे रोबोटिक बॉडी में डालकर एक्टिवेट करती है, जिसमें जाते ही जोंगियो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। वो खुद को एक रोबोटिक शरीर में देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, इसलिए अब सियोन उनको फिर से डीएक्टिवेट कर देती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि असल में जोंगियो के असली दिमाग को एक डिजिटल दिमाग में कॉपी किया गया है, जिसे जैसे ही किसी भी रोबोटिक बॉडी में लगाया जाता है तो जोंगियो होश में आ जाती है, जो कि दर्द, गुस्सा, तकलीफ जैसी चीजें बखूबी महसूस करती है। मतलब कि एक तरह से जोंगियो मरने के बाद भी मरी नहीं है, उनका दिमाग अब भी जिंदा है, जिसे एक्टिवेट करने पर उन्हें लगता है कि वो होश में आ चुकी है, और डीएक्टिवेट करते ही वो बेहोश हो जाती है। हालांकि दिक्कत बस यही थी कि जोंगियो खुद को एक रोबोटिक शरीर में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जिसका हल उनकी बेटी सियोन को ढूंढना था, क्योंकि इसी की वजह से उनका प्रोजेक्ट अभी तक सफल नहीं हो पा रहा था। आप सियोन अपने एक साथी के पूछने पर उसे बताते कि उसे बचपन में लंग ट्यूमर था, जिसका इलाज चलता रहा, इसलिए ना चाहते हुए भी उसकी माँ जोंगियो को इस तरह के खतरनाक मिशन पर जाना पड़ा था, और जब उसका ऑपरेशन होने वाला था तो उसने जोंगियो को आखिरी बार देखा था। यानी कि यहाँ सियोन की बात से यह साफ हो जाता है कि वो खुद को अपनी माँ के मौत का जिम्मेदार मानती है, जिसके साथ ही आगे में पता चलता है कि सियोन का लंग ट्यूमर एक बार फिर से बढ़ गया है, जिसे अब ऑपरेशन से भी ठीक करना नामुमकिन था, इसलिए अब उसके पास जीने के लिए अब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 महीने का ही समय बाकी है। अब इसके बाद एक बार फिर से जोंगियो को टेस्ट करने की बारी आती है, जिसे एक्टिवेट करने से पहले इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर कहता है कि इस बार हम कुछ लोग अलग करते हैं, इसलिए वो जोंगियो को एक्टिवेट करने से पहले उसके पैर में गोली मारने को कहते हैं, जिसे एक्टिवेट करने के बाद उसे काफी दर्द होता है, लेकिन इसके बावजूद वो सभी रोबोट्स का डटकर सामना करती है, जिस दौरान एक रोबोट उस पर हावी हो जाता है, और अब इसी वक्त वो लोग जोंगियो के दिमाग के अलग ही हिस्से को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं।
जो कि असल में जुंगी की अपनी बेटी के लिए चिंता होती है और वो एक बार फिर से पूरी ताकत से उठकर लड़ने लगती है। पर तभी एक रोबोट उसके सिर पर गोली मार देता है जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाती है। हाफ डायरेक्टर इस डेटा को सेव करने के लिए कहकर सीओन के साथ प्रेसिडेंट से मिलने के लिए चला जाता है। जीन के सामने पहुंचते ही वो सबसे पहले डायरेक्टर को ही डीएक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि डायरेक्टर भी खुद एक एआई रोबोट होता है। और अब प्रेसिडेंट सीओन से कहता है कि अब युद्ध एक तरह से खत्म होने की कगार पर है, इसलिए उन्हें जुंगी एआई की कोई जरूरत नहीं, बल्कि इसकी जगह वो चाहते है कि जुंगी को एक घरेलू रोबोट की तरह बनाया जाए ताकि वो आम लोगों के काम आ सके। अब प्रेसिडेंट की इस बात को सुनकर सीओन के पैरों तले एक तरह से जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो अपनी माँ को एक हीरो मानती थी और चाहती थी कि दुनिया भी उन्हें इसी तरह से याद करे, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। इसलिए अब एक आखिरी बार ये लोग जुंगी को टेस्ट करने का मन बनाते, जहाँ इस बार भी वो मिशन को पूरा नहीं कर पाती। इसलिए अब डायरेक्टर पूरी तरह से बौखला जाता है। दरअसल वो जुंगी के दिमाग के उसी हिस्से को एक्टिवेट करना चाहता था जो पिछली बार उन्हें नजर आया था। इस वजह से वो जुंगी का एक हाथ कटवा देता है जिससे जुंगी को बेतहाशा दर्द होता है, पर अब भी वो हिस्सा एक्टिवेट नहीं हुआ था। इसलिए अब गुस्से में डायरेक्टर अंदर जाकर उसके पैरों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है जिससे उसे और भी ज्यादा दर्द होता है, जो सबसे उनसे नहीं देखा जाता। इसलिए वो जुंगियों को डीएक्टिवेट कर देती है क्योंकि वो अपनी माँ को इस तरह से बार बार तकलीफ में नहीं देख सकती थी। पर इस पर अब डायरेक्टर उस पर गन तान देता है और उसे जुंगियों को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जो बात वो नहीं मानती। पर इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, प्रेसिडेंट उसे मिलने के लिए अपने पास बुला लेते, जिसके जाने के बाद अब सीओन कहती है कि इस लड़ाकू एआई प्रोजेक्ट को प्रेसिडेंट ने बंद करने का आदेश दिया है, इसलिए उसका सारा डेटा मुझे भेजो। फिर सभी के जाने के बाद उस डेटा के जरिए जुंगियों को फिर से एक्टिवेट करती है और उसे बताती कि वो असल में लड़ाई के दौरान घायल हो गई थी, इसलिए वो पूरी तरह से ठीक होने तक आराम करे। जो बात सुनते ही जुंगी के दिमाग का वो हिस्सा आखिरकार एक्टिवेट हो जाता है जिसमें उसकी बेटी की यादें थी। वो अब सीओन से अपनी बेटी के ऑपरेशन के बारे में पूछती है, जिस पर सीओन उन्हें बताती कि उसका ऑपरेशन सफल रहा और अब वो बिल्कुल ठीक है। जीसी के साथ ही अब जुंगियो भी ये शेयर करती है कि जब वो इस मिशन के लिए निकली थी तो उसकी बेटी ने उसे गुड़िया दी थी जो लड़ाई के दौरान उसे गिर गई और उसे ही वापस लाने के चक्कर में उसको वो गोली लग गई। अब ये बात सुनकर सीओन पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि उसकी माँ एक तरह से अब भी जिंदा है और अब वो ये भी समझ चुकी थी कि क्यों वो लड़ाई के उस मोड़ तक पहुंचकर हर बार मारी जाती थी। अब इसके अगले दिन प्रोटोकॉल के हिसाब से आखिरी बार जुंगी के मिशन को किया जाना था, जिसे ये एक्टिवेट करने से पहले सीओन उसके कान में कहती कि वो इस वक्त उसे जो भी बता रही है वो उसको किसी सपने की तरह लगेगा। और इतना कहने के बाद फिर वो उसे शेयर करती है कि ये लोग लड़ाई में उसे गोली लगने के बाद उसको कोमा में भेज देंगे, फिर उसे एक रोबोट में बदल दिया जाएगा। दरअसल इस बार सीओन ने पहले ही जुंगियो के दिमाग से उसकी बेटी की यादों को पूरी तरह से मिटा दिया होता है, इसलिए जब जुंगी इस बार लड़ाई के उस हिस्से में पहुंचती है तब वो जानबूझकर गोली लगने से पहले ही गिर जाती है, जिस पर पहले तो डायरेक्टर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो कैमरे में ये देखता है कि जुंगी जानबूझकर गिरी है तो वो तुरंत सिक्योरिटी अलार्म को ऑन कर देता है, जिसकी आवाज होते ही जुंगी सभी को मारकर वहां से भाग जाती है, जिसे अब वो लोग नष्ट करने के लिए अपने साथ लेकर जा रहे थे। वहीं द डायरेक्टर कॉम्बैट रोबोट्स को एक्टिवेट करके उन्हें जुंगी को मारने के लिए भेज देता है, जिनसे जुंगी एक बेहतरीन सिपाही की तरह लड़ती है। पर फिर एक रोबोट उस पर हावी होने लग जाता है, जिसी बीच अब डायरेक्टर ने रोबोटिक पुलिस को भी उसे पकड़ने के लिए भेज दिया था। इस वजह से अब सीओन तुरंत आकर उस कॉम्बैट रोबोट को ऑफ करती है जिसने जुंगी के गले को पकड़ा हुआ था। वो अब अपनी माँ से कहती कि वो उनकी मदद करने के लिए आई है, पर तब तक रोबोटिक पुलिस अंदर आ चुकी थी जो पहुंचते ही जुंगी को शूट करके मार देती है। और इसी दौरान सीओन को एक कॉम्बैट रोबोट लेकर बाहर निकल आता है क्योंकि उसने सही वक्त पर जुंगी के दिमाग को उसी कॉम्बैट रोबोट के अंदर फिट कर दिया था, जिसके साथ वो बाहर निकली थी। हालांकि इसका पता पुलिस को भी लग जाता है, लेकिन इससे पहले वो उन दोनों को पकड़ पाती वो लोग एक ट्रेन में सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। अब यहां उनका सामना डायरेक्टर से होता है जो जुंगियों को रोकने की कोशिश में सीओन को गोली मार देता है और इसी दौरान उसे भी पता चलता है कि वो भी एक रोबोट है, इसलिए वो और भी ज्यादा बौखला कर जुंगियों से लड़ने लग जाता है। जिस बीच अब ट्रेन का पीछा करते हुए पुलिस भी आ जाती है। दिन सबसे जुंगी बहुत ही शानदार तरीके से लड़ती है, साथ ही वो डायरेक्टर को भी ट्रेन से बाहर फेंक देती है, पर वो वापस से अंदर आ जाता है और जुंगी से फिर से लड़ने लगता है। तभी फिर अचानक से उस ट्रेन की एक दूसरे ट्रेन से टक्कर हो जाती है और दोनों लड़ते हुए एक डिब्बे में गिर जाते हैं जो किसी भी वक्त नीचे गिर सकता था। हालांकि यहाँ जुंगी को उसकी बेटी किसी तरह से एन वक्त पर ऊपर खींच लेती है, पर आखिरकार डायरेक्टर मारा जाता है।
अब जूंगयू सियोन की हालत देखकर काफी परेशान होती है, लेकिन सियोन अपनी माँ से कहती है कि पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती होगी, इसलिए वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए ताकि कोई भी उसे चाहकर भी ना ढूंढ सके और जो जिंदगी वो पहले नहीं जी पाए उसे अब वो जिए। जिस पर जूंगयू अपनी बेटी को बिल्कुल उसी तरह गले लगाती है जैसी कि वो बचपन में उसे लगाया करती थी। यहाँ आने की यादें मिटने के बाद भी उसे अपनी बेटी याद थी। हालांकि अब पुलिस से बचने के लिए वो यहाँ से दूर जंगल में भाग जाती है, जिसके बाद फिर मूवी के आखिरी सीन में हम उसे एक पहाड़ी पर खड़ा देखते जो शायद ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।